संपूर्ण भारतवर्ष सहित समूचे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं इसी क्रम में बांदा के नरेनी ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में भी महिला दिवस मनाया गया, जहां विद्यालय की छात्राओं ने अपने स्कूल में आए हुए जनपद के सभी अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया और महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए शपथ लिया। जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नरेनी शिव अवतार सहित विद्यालय की समस्त अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। दीप्ति राजपूत, अर्चना सिंह, रंजना सिंह, रश्मि शुक्ला सहित अरविंद श्रीवास्तव उपस्थित रहे और वहीं छात्राओं ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी और छात्राओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया गया। ये थी पूरन राय की रिपोर्ट। आपका? जी, मेरा नाम राजपूत है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके तहत यह बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरूक करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर एवं जागरूक हो सके। जैसे गांव में बहुत सारी महिलाएं होती हैं, पढ़े लिखे नहीं होती हैं, तो उनके जो पति लोग होते हैं, बहुत सारे लड़कियों का ही शोषण होता है, तो बदारूपी कराते हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती हैं और सहन करती रहती हैं। तो उन्हें सहन नहीं करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। अगर वो नहीं कुछ कर पा रही तो फिर वुमेन हेल्पलाइन नंबर तो है ही 1090, उस पर कॉल कर सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं। और जैसे कि अब बहुत जो पढ़े लिखे नहीं होती है महिलाएं, उनके लिए कार्य हेतु परियोजना ने कई सारे वो चलाए हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं इस समय पर। मैम, महिला दिवस इस विषय में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना, मैं KGB नरेनी की टीचर हूँ, दीप्ति राजपूत। आज इधर का खंड शिक्षा अधिकारी डायरेक्ट प्राचार्य आए, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, ताकि उन बच्चों को ये बताया कि कैसे अपने ऊपर आत्मविश्वास करें और आगे बढ़ते हुए चले जाएं। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, महिला नंबर और सारे टीचरों ने भी बहुत जानकारी दी। बस मैं इतना कहना।